मिलिए दिल्ली की रहने वाली 87 वर्षीय महिला उषा गुप्ता से, जिन्होंने अपनी नातिन डॉक्टर राधिका बत्रा की मदद से पिकल्ड विद लव की शुरुआत की है। दरअसल हुआ यूं कि उनके लिए कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी थी। अपने पति के साथ वो भी कोरोना की चपेट में आ गई थी। दंपति लगभग एक महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उषा तो ठीक हो गई, लेकिन कोरोना ने उनके पति की जान ले ली और उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक महीने बाद तय किया कि अब वो अपना बचा हुआ जीवन जरूरतमंदों की सेवा में लगाएंगी। फिर क्या था, वो जुट गईं इस काम को अंजाम देने में। इस साल जुलाई में उन्होंने होममेड अचार चटनी का काम शुरू किया और सोशल मीडिया के जरिए देश भर में लोगों तक अपना प्रोडक्ट भेजना शुरू कर दिया। नतीजा, एक महीने के अंदर उनके 200 से ज्यादा बॉटल्स बिक गए। इसके बाद दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल समेत कई प्रदेशों से उनको ऑर्डर आने लगे। इससे जो भी कमाई होती है उसे वो कोरोना मरीजों के लिए डोनेट कर देती हैं और जरूरतमंद परिवारों को खाना खिलाती हैं। मैं सोचा कि कोई, मैं जॉब नहीं करती, कुछ नहीं करती, चलो इस समय डिफिकल्टी के टाइम्स हैं, बहुत टाइम खराब है पब्लिक के लिए, जिनके घर वाले कोरोना में चले गए, कि उनके निमित्त कुछ जरा सा भी कुछ हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। तो मेरा शुरू से ही ये था कि हमेशा ही हेल्प करनी, चाहे घर में एक सर्वेंट है ना, उसको भी मैं नहीं देख सकती कि वो बीमार है, तो इतना हो सके अपने से दूसरे की हेल्प कर दो। 87 साल की उम्र में कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाली उषा गुप्ता बताती हैं कि वो अभी भी अत्यधिक कमजोरी और दर्द महसूस करती हैं, लेकिन कठिन समय में लोगों की मदद करने की उनकी दृढ़ इच्छा और दृढ़ संकल्प हर बाधा को पार कर जाता है। वो चाहती हैं कि वो अपने खाली समय में इच्छुक लोगों को खाना बनाना और घरेलू काम करना मुफ्त में सिखाएं।